एक सकते हो यार, कितनी कबाड़ रोड है मेरी इधर घर के साइड का। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो सो गाइस, देख सकते हो कि कितनी कबाड़ रोड है मेरे साइड घर की। अपना ये ब्लॉग हमेशा बंद कर देता था तो राइट। सो गाइस, अभी है मैं जस्ट अपने घर से निकला हूँ और दीदी का पिकअप वगैरह कर लिया था। मार्केट में आज राइड होने वाला है। काफ़ी दिन से मार्केट में राइड नहीं हुआ है, 5-6 दिन से राइड ब्लॉग मैंने नहीं डाला है, तो टाइम हो चुका है राइड ब्लॉग। तो आज आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आज मेरा सिटी राइड होने वाला है। अभी का टाइम हो रहा है समथिंग 10 बज रहे हैं समथिंग, और इधर अभी खाली खाली रोड है पूरी, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है। अभी सब लोग अपने अपने घर से निकल रहे होंगे किसी न किसी काम से। अपने बसंती को चलाने में मज़ा आ जाती है, और बसंती में फ्यूल वगैरह भी नहीं है, तो देखते हैं कहीं फ्यूल वगैरह डलवाएँगे। आप लोगों को तो पता होगा कि मेरे YouTube चैनल में 1K फैमिली हो चुकी है, तो आप लोग के सपोर्ट के वजह से हुआ है। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करना यार मेरे भाई। अगर आप लोग बिना हेलमेट के चलते हो ना, तो तेल वगैरह फ्यूल वगैरह नहीं मिलता है यहाँ पे। यहाँ पर बहुत ही कबाड़ रोड है यार। थोड़ा सा आगे विशाल मॉल है। ये सड़क वगैरह कितना भरा भरा लग रहा है, क्योंकि दिवाली का टाइम है, तो पूरा जो शोरूम है ना काफ़ी अच्छे सजे हैं। ऐसे राइड ब्लॉग नहीं डाला तो आप लोगों को देखने को मिला होगा, ट्रेवलिंग ब्लॉग देखने को मिला होगा, इसी के वजह से मैं राइड ब्लॉग नहीं दे पाया हूँ। इस रोड में ना बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है यार ये, क्योंकि सिंगल लाइन है, और सिंगल लाइन का मतलब यह है कि डिवाइडर वगैरह लगा नहीं है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। जहाँ मन होता है वहीं बाइक वाले या ऑटो वाले कोई भी वहीं पर घुरेप देते हैं, आ जाए उल्टी साइड हो या सीधी साइड हो। जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो वह देख सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पर भीड़ रहती है। एक साइड का यही है कि सिंगल साइड का रोड ना काफ़ी एडजस्टिंग रोड होती है। ये देख सकते हो दूर दूर तक इतना ज़्यादा भीड़। सुबह सुबह के टाइम में ऐसा ट्रैफिक होना बहुत ही कष्टदायक होता है। इतना ज़्यादा ट्रैफिक, किसी काम से निकलो ना तो यहीं पर टाइम लग जाता है। सबसे ख़राब रोड है यार। उधर से जाना बेकार था क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था। इधर से साइड में हॉस्पिटल के तरफ के हॉस्पिटल के सड़क से निकल आया तो गाइस डायरेक्ट मैं सिटी वगैरह काट दिया है, और अभी जस्ट इधर से निकल काम वगैरह तो नहीं हो पाया है, सीधा मैं घर साइड निकल रहा हूँ, दीदी को वहीं छोड़ दिया हूँ। तो अभी शायद मैं कुछ टाइम से जाऊँ तब फ़ोन वगैरह आएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो देखता हूँ कब तक मैं कॉल आता है, फिर निकलूँगा। तो अभी डायरेक्ट घर जा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, क्योंकि सुबह से निकले 2 बज रहे हैं अभी। तो अब डायरेक्ट हम निकल लेते हैं घर साइड, और फिर उसके बाद देखते हैं। अभी मैं को कुछ काम नहीं है तो मैं डायरेक्ट बाईपास ऊपर निकल लेता हूँ, ब्रिज से निकल लेता हूँ अपने बसंती के साथ, क्योंकि अभी ज़्यादा वैसे तो नीचे साइड का काम है तो नहीं। क्या है कि हेलमेट जो मैंने पहना है ना, तो नीचे से हवा आती है ना, उसके वजह से प्रॉब्लम होती है, वॉइस प्रॉब्लम हो जाती है, तो थोड़ा सरसराहट की आवाज़ आ जाती है। क्या है कि ये ब्रेकर तो पहले नहीं था, पर अब ब्रेकर इसलिए है कि एक बार क्या हुआ कि कोई स्पीड वगैरह में आ रहा था तो नीचे साइड डायरेक्ट घुस गया था, तो काफ़ी नीचे गिरा, तो काफ़ी चोट आ गई थी उसके, मतलब बच गया था, चोट बहुत ज़्यादा आ गया था, इसलिए उसके बाद वह वहाँ पर ब्रेकर लगाने की ज़रूरत ही होती है यार मेरे भाई, क्योंकि अगर कोई स्पीड में आ रहा है तो गाड़ी कंट्रोल नहीं होती है। और वह भी वहाँ पर तिराहा है, 2 साइड ब्रिज गया, तो बस वाले ना कहीं पर रुक जाते हैं यार, समझ में नहीं आता इनके चलते यार ना, बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह होने लगता है। ये देखो यहाँ पर मस्त लगा हुआ है ट्रैक्टर वगैरह। तो अभी डायरेक्ट अपने घर जाते हैं, और अपने धनु में तो अपने बसंती में फ्यूल वगैरह है नहीं, मैंने भरवाया भी नहीं यार, देखता हूँ कहाँ तक ढनकेगी, पता चलेगी कहीं बंद हो जाए तो फिर हो गया लेने के देने पड़ जाएंगे।
तो सो गाइस अभी ये राइड यहीं पर एंड करता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट राइड में। तो आई होप आप लोग वीडियो मस्त लगी होगी, तो आप लोग भी लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना यार मेरे भाई। तो आप लोग भी खाते पीते मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।